सास बहू का ढाबा में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मैंगो पॉप्सिकल। जी हाँ, फ्रेश फ्रूट मैंगो पॉप्सिकल। गर्मियों में आम खाने का मजा ही कुछ और है, एंड एस्पेशली जब वो आइसक्रीम या पॉप्सिकल के फॉर्म में हो, तब तो वाह वाह, उसके क्या कहने। चलिए चलते हैं रसोई में और देखते हैं मैंगो पॉप्सिकल कैसे बनाते हैं। चलिए बनाते हैं मैंगो पॉप्सिकल। मैंगो पॉप्सिकल के लिए मैंने लिए हैं 3 आम, 1/4 कप मैंने लिया है पीसी हुई चीनी शुगर, 1/3 कप मैंने लिया है होल मिल्क की फैट वाली, पूरा जो अच्छा दूध होता है उस दूध की मलाई ली है मैंने। ये घर की मलाई है जिसे मैंने पीस ली है मिक्सी में। 1/2 कप दूध लिया है, कच्चा दूध नहीं है, उबला हुआ दूध है। और ये मैंने लिया है 1 टेबलस्पून और 1 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर के जगह आप मिल्क पाउडर भी ले सकते हैं या फिर कॉर्नफ्लावर ले सकते हैं। अब हम दूध में कस्टर्ड पाउडर डाल के उसे उबालेंगे। इसे हमें कंटिन्यूसली मिलाते रहना है। जब आप कस्टर्ड पाउडर डालें तो ध्यान रहे कि आप थोड़ा थोड़ा डालें और उसे मिलाते रहें, नहीं तो उसमें गांठें बन जाएंगी। इसे हम तब तक उबालेंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। ये देखिए, हमारा कस्टर्ड अब गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। आम को हमने ले लिया है मिक्सी में, हम सारी सामग्री को इसी मिक्सी में एक साथ डालकर पीस लेंगे। ये देखिए, मैंने सारी सामग्री मिक्सी में डाल ली है, अब मैं इसे पीसने वाली हूँ। मैंने इसे मिक्सी में पीस लिया है, अब हम इसे पॉप्सिकल के मोल्ड में डाल देंगे। अगर आपके पास पॉप्सिकल का मोल्ड नहीं है तो आप इसे कोई डब्बे में भी डाल के फ्रीज कर सकते हैं और बाद में उसे काट के खा सकते हैं। चलिए, अब इसे मैं पॉप्सिकल के मोल्ड में डाल रही हूँ। मैं प्लास्टिक के मोल्ड में इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि प्लास्टिक के मोल्ड में से इसे निकालने के लिए हमें तकलीफ होती है, वो बराबर निकलती नहीं है, चिपक जाती है अंदर। तो मैंने लिए हैं कुल्फी के मोल्ड। ये देखिए, हमने कुल्फी के मोल्ड्स भर लिए हैं। अब हम इन सबको बंद कर देंगे और इन्हें रख देंगे फ्रीजर में फ्रीज होने के लिए। 6 से 8 घंटे बाद ये प्रॉपरली फ्रीज हो जाएगी। उसके बाद हम इन्हें निकालेंगे और देखेंगे कि हमारी मैंगो पॉप्सिकल कैसी बनी है। 6 घंटे बाद मैंने अभी इसे बाहर निकाला है और ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसमें पॉप्सिकल के स्टिक डालूंगी। आप कोई भी स्टिक डाल सकते हैं, टूथपिक भी डाल सकते हैं। अब इसे मैं हल्के से हाथ से ये रब करूँगी, घुमाऊँगी और गर्माहट दूंगी ताकि इसमें से ये इजीली निकल जाए। अगर आप चाहे तो आप इसे थोड़े गुनगुने पानी में भी रख सकते हैं निकालने के लिए। ये देखिए, हमारी मैंगो पॉप्सिकल बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। तो आप किसका वेट कर रहे हैं? मैंगो का सीज़न जाने में ही है, तो आप भी ये मैंगो पॉप्सिकल आज ही बनाएं, खाएं और सबको खिलाएं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपना वैल्यूबल फीडबैक हमें ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में दें। तो फिर हम मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ कल। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।